आज की तकरीब के मेहमान जनाब डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब तशरीफ आवर हुए हैं, जो ट्राइबल अफेयर्स महकमे के सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा सीईओ इनके हमरा है जिला तरक्याती कमिश्नर अंतर डॉक्टर बशारत कयूम साहब, महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इज्जत मार ज्वाइंट डायरेक्टर बशीर साहब, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत खैर मकदम। और पहला जो इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ वो इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ, जहां हर जोन से टीमें आई और उन्होंने एक दूसरे के साथ मुकाबला किया और हर डिस्ट्रिक्ट से हमने एक टीम सिलेक्ट की जिसने इंटर डिस्ट्रिक्ट यूटी लेवल पर मुकाबला। जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का एक पहला इनिशिएटिव है जिसको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब खुद हेड करते हैं। इसके तहत जो एलजी रोलिंग ट्रॉफी रखी थी उसमें आइडिया ये था कि गांव की सतह से लेके यूटी लेवल तक बच्चों को एंगेज किया जाए, यूथ को एंगेज किया जाए, इसमें इनकी ट्रेनिंग, इनको बेसिक इक्विपमेंट, यूनिफॉर्म, उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में अपनी स्किल्स शोकेस करने के लिए। और इसके साथ साथ कैश रिवार्ड हर लेवल पर रखा गया है, लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारी रहती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेके। आज सेमीफाइनल है जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट की टीम यहाँ पे, इसके बाद जो फाइनल लेवल होगा उसमें ट्रॉफी दी जाएगी, रोलिंग ट्रॉफी, और हर साल ये मैच कंटिन्यू रहेगा। सर काफ़ी अच्छा रोल निभाया है पिछले साल भी यूथ स्पोर्ट्स ने, तो क्या इस बार उम्मीद करेंगे कि जो नौजवान है, जो जिनका हुनर है वो हुनर बाहर निकालने के लिए और उनको हम बैन अवी सतह पर देखें? यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने देखा होगा पिछले कुछ अरसा में अपने आप को बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ ही नहीं बड़ी बट जो डाइवर्सिफाई इन्होंने किया है, इनकी रीच जो है हर गांव हर पंचायत तक है और लाखों की तादाद में बच्चों ने, नौजवानों ने, स्पोर्ट्स पर्सन ने पार्टिसिपेट किया है। आपने देखा होगा कि टैलेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उभर के आ रहा है और मुझे लगता है कि ये जो जोश मेंटेन किया है ये कंटिन्यू रहेगा। सर एनी सॉर्ट ऑफ मैसेज टू द ऑफिशियल्स, टू द प्लेयर्स रादर हु आर पुटिंग हिम लॉट्स ऑफ ऑफिशियल्स को तो हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे और प्लेयर्स की मोटिवेशन के लिए हम लोग सब यहाँ खुद मौजूद हैं और डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म करें, ये हमारे विशेष रहे। सर डीसी साहब काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम भी कर रहे हैं और आपके साथी भी है, लेकिन अभी अनंतनाग में फुल फ्लज्ड स्टेडियम, हालांकि डीसी साहब ने काफ़ी कोशिश की सर उस सिलसिले में। डेफिनेटली डीसी साहब का जो भी प्रपोजल होगा गवर्नमेंट के पास उसको डेफिनेटली उसको पुश किया जाएगा गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए। डेफिनेटली बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। खुद हम देख रहे थे कि जो डिप्टी कमिश्नर अलग यहाँ गए वो खुद वहाँ गए, उन्होंने खिलाड़ी की मतलब जाहिर की, हाल ही में एक ऐसी खिलाड़ी भी जो निकली है जो खुद जो है एक अवार्ड से भी नवाजा गया है, तो आप चाहेंगे कि उन रूरल सतह पर फिर से ऐसी खिलाड़ी बाहर? डीसी साहब खुद नौजवान हैं, एक्टिव हैं, हमेशा इलाके में ग्राउंड पर रहते हैं और मुझे लगता है कि टैलेंट को उभारने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेंगे। थैंक यू। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info call on 9469 888 333.